Jungle. एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हम लोग कहीं जा रहे हैं बाहर घूमने। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज भाई का छुट्टी है। पूरे पूजे में तो छुट्टी मिला नहीं उसे, तो आज उसका छुट्टी था। तो ऑब्वियसली हम लोग सब साथ में हैं तो कहीं एक साथ घूमना तो बनता है। भाई नहीं था तो थोड़ा खाली तो लग ही रहा था। तो आज उसका छुट्टी है तो हम लोग बस फिर से रेडी हो चुके हैं बाहर घूमने जाने के लिए। वो भी बहुत जिद कर रहा था। हम लोग तो टायर्ड हो चुके थे, आज जाने की इच्छा नहीं थी, बट उसने बोला कि नहीं नहीं चलो चलो। तो हम लोग भी रेडी हो चुके हैं, वो भी पीछे आ रहा है। और आज बच्चे कोई नहीं जा रहे, सिर्फ हम बड़े ही जा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, क्या होता है। उसने तो एक भी पंडाल देखा नहीं पूजा का, तो देखते हैं अगर अभी तक होगा एक दो जगह तो कहीं देख ले तो अच्छा ही है, नहीं तो देखते हैं और आएगा क्या प्लान होता है। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, बस हम लोग रेडी होकर निकल चुके हैं। और दी ने मेरा कपड़ा फिर से पहन लिया है और मैंने उसने जो उस दिन पहना था वो मैंने फिर से पहन लिया अपना। तो मतलब ऐसे ही एक्सचेंज कर करके हम लोग पूरा पूजा निकाल चुके हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के स्टेशन, इससे पहले कि लेट हो जाए, है ना। ये भीड़ देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ गए हुए हैं, कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पंडाल देखने की भीड़ है। जी हाँ, पूजा ख़त्म हुए 2-3 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, मतलब दसवीं ख़त्म हुए और भाई का छुट्टी तब मिला था, उसके बाद का ये भीड़ है। और देखिए ऐसा ही भीड़ अभी कंटिन्यू रहने वाला था। ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। एक्चुअली पूजा खत्म हो चुकी है, हुए 2 दिन हो चुके हैं और भाई का छुट्टी था, तो उसने बोला कि चलो आज तो खाली होगा पंडाल, देख लेंगे हम लोग। बट यार अनएक्सपेक्टेड भीड़ था यहाँ, अनएक्सपेक्टेड। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा। तो हम लोगों ने बोला भाई तू लाइन में लग, देख के आ। हम लोग देख चुके हैं, उसके कहने पर हम लोग आ तो चुके हैं, बट हम जा पाए इतनी हिम्मत नहीं थी हम लोगों में, तो इसलिए हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं उसका। और वो लाइन में लगा है पता नहीं 1 घंटे 1.5 घंटे कितने देर बाद आएगा। हम लोग बोले भाई तू देख क्या, अब आ गए हैं तो देख ले तू, लेकिन हम लोग एंटर नहीं करने वाले क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो इसलिए हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। और गर्मी इतनी हो गई थी लाइन में भीड़ में ही क्या बताएं। तो बस देखते हैं कितनी देर में वो आता है, तब तक हम लोग यहीं पर इंतज़ार करते हैं। ये वाला पंडाल हम लोगों ने भी नहीं देखा था, तो भाई के साथ आया था तो हम लोगों ने सोचा जब आए ही हैं तो इसे भी देख लेते हैं। ये गुजरात के नीलकंठ का मंदिर बनाया था, जो कि बहुत ही बड़ा बहुत ही भव्य बनाया था। तो हमने बोला चलो यार आए तो कुछ तो अच्छा देखने को मिला, मतलब मज़ा आ गया देख के। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैंने आपको क्लाउड तो नहीं दिखाया यहाँ का, लेकिन अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने बोला कि छोड़ो भाई मंदिर का लुत्फ़ उठाते हैं। और आप देखिए कि कितनी अच्छे तरीके से बनाया है ये। कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग हो चुकी है, कल रात को बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था, इसलिए मैंने आगे कुछ कंटिन्यू नहीं किया। हम लोग घर आके टायर्ड हो चुके थे, रात को 2 बज चुके थे सोते सोते, इसलिए मैंने कुछ कंटिन्यू नहीं किया। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है और अभी हम लोग रेडी है। क्यों रेडी है? क्योंकि दी जा रही है। जी हाँ, आज दी जा रही है घर, डेली वापस जा रही है। तो
बस हम और भाई उसको ही छोड़ने के लिए रेडी हैं स्टेशन, सब रेडी है, बस अच्छा नहीं लग रहा है, सब कम बना हुआ है। चलिए चलते हैं स्टेशन जी को छोड़ने। अब जा रहे हैं स्टेशन, आ चुके हैं और ट्रेन हम लोगों की 8 बजे की है और हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं जल्दी आना ट्रेन आने से पहले, पहले स्टेशन पे आके 1 घंटे वेट करो बट पहले आओ। तो बस जा रहे हैं अब हम लोग स्टेशन के अंदर, सोचिए कि आपको थोड़ा हावड़ा ब्रिज का लुक दिखा दिया जाए। तो चलिए चलते हैं और क्या, और हम लोग भाई के साथ आए हैं छोड़ने के लिए, दी बेटी और जया जी जा रहे हैं, बड़ा वाला बेटा यहीं रहेगा अभी कुछ दिन, इसके बाद जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर। एवरीवन गुड इवनिंग, शाम हो चुकी है, मैंने पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं किया, मैं दी को छोड़ के आई और इतनी ज़्यादा टाइट थी, आपको पता ही था, बैक टू बैक हम लोग घूमने जा रहे थे, तो इसलिए आके बस मैंने रेस्ट किया पूरे दिन और उसके बाद शाम हो चुकी है, मैंने तेल मालिश करवाई मम्मी से और अभी कुछ काम से हम लोग बाहर जा रहे हैं। तो बस इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, अच्छा नहीं लग रहा है, जन सन्नाटा हो गया है, सभी चले गए हैं, तो बस इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।